तो गाइस यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया जैसी कंट्रीज भी इंडिया के 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही हैं। बुर्ज खलीफा पे 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया गया, जबकि 15 अगस्त को आज की अगर बात करें इंडिया का फ्लैग प्रॉपर डिस्प्ले किया गया। पूरी दुनिया में ये बात जब पहुंची तो पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हम भी यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है, क्या वजूहत है? सर उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया। आपने किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा? आपका 14 अगस्त और पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगी हो। दफ़ा 144 का मतलब पता है कि चार लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी किसी जश्न आज़ादी में ऐसा हुआ था कि दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लगा दी? हमारा अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं। इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तो उल्टा डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, उल्टा जिनके हमारे साथ ताल्लुकात हैं भी सही वो भी पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो दुबई को हमारे तरफ कौन से जो हमें मफादात उन्हें नजर आ रहे हैं जो उन्होंने हमारा फ्लैग शो करना था? मुझे मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, तो मुझे उनकी ना एक तकरीर मेरे सामने आई मोबाइल पर, उन्होंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी, आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा, आप पहले इस काबिल हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। तो दोस्तों 15 अगस्त की वीडियो अब पूरी दुनिया से आने लगी हैं। पूरी दुनिया में भारत का 15 अगस्त मनाया गया, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, हर जगह भारत का तिरंगा लहराया। तो पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन है? पाकिस्तानियों का तो तिरंगा बुर्ज खलीफा पे भी नहीं लहराया, यूएई ने भी मना कर दिया कि हम आपका तिरंगा नहीं लहराएंगे, और भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया, दुबई में भी लहराया। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का क्या कहना है, चलिए वीडियो में देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। 14 अगस्त गुजरी है कल और अभी आज अगर बात करें 15 अगस्त है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पहले हर दफ़ा तकरीबन बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग डिस्प्ले होता था, इस दफ़ा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तानी के भाई फ्लैग डिस्प्ले होने लगा है, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया और 15 अगस्त को इंडिया का फ्लैग डिस्प्ले किया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? यू वुड लाइक टू फर्स्ट? या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने लोगों को आज़ाद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, बोलने का हक देना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने लोगों की ज़ुबान बंद कर दी है, लोगों को लोगों से बोलने का हक छीन लिया है, जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। नहीं, क्या वजह, क्या वो गलत बोलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है या पाकिस्तान की खराबी के लिए बोलता है? मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। कोई भी बंदा बात करता है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता है। हम हार रोड के ताजर हैं, हम लोग भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन अवाम की सुननी चाहिए। जब तक हम अवाम की नहीं सुनेंगे तब तक पाकिस्तान की कदर नहीं होगी। ठीक है, मैं दुबई में रह के आया हूँ, दुबई में लोग जिसको जानते हैं आप उसको जेल में डालते हैं, पूरी दुनिया जिसको जानती है हम लोग उसको जेल में डालते हैं और कहते हैं कि हमारी कदर करो। कोई कैसे कदर करे जब आप दिलों से तो किसी को नहीं निकाल सकते, खुद नहीं अपने लोगों की कदर करेंगे दुनिया कैसे कदर करेगी? यही तो मसला है, जब हम लोग अपने बंदे की कदर खुद नहीं करेंगे तो किसी ने तो कदर नहीं करनी। यही वजह है कि 14 अगस्त को वहाँ पे फ्लैग डिस्प्ले नहीं हुआ। यूके में जो सेलिब्रेशन हुई है वो जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है, ठीक है। कनाडा में जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। और उधर वहाँ पे अच्छी सेलिब्रेशन नहीं हुई पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को लेकर? वो इंडिपेंडेंस डे को लेकर जिनके घर के बाहर सेलिब्रेशन हुई है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो आले शरीफ के घर के सामने जो सेलिब्रेशन की है, अवाम ने जो सेलिब्रेशन की है लोग उसको खुद देख रहे हैं। ऐसे ही है। हम पे तो नाम लेने की पाबंदी है, चले नाम लिए बगैर हम लोग सारी बातें करते जा रहे हैं, समझने वाले खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल, अब ये दौर बहुत जदीद हो चुका है। आप अगर ये भी कहते हैं ना हम ये कर रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कौन ये कर रहा है। मुझे ये बताएं आपने बोला, जी जी जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा? आपका 14 अगस्त और पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगी हो। दफ़ा 144 का मतलब पता है कि चार लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी किसी जश्न आज़ादी में ऐसा हुआ था कि दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लगा दी? पिंडी में लगी हुई, पिंडी में लगी है। तो ये देखें ना, देखें लीडरशिप जो होती है ना वो माइंड सेट डेवलप करती है। जो अब मैं कहता हूँ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ अगर अच्छा किया ना, कि लेकिन माइंड सेट डेवलप कर दिया था लीडर्स वाला, गुलामी की सोच खत्म की थी उन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपको एक्चुअली आप मेंटली टॉप पे गुलाम बन चुके हैं। लोग तब आपकी कदर करते हैं जब आप खुद अपने फैसले खुद करते अच्छा, हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, हम हमेशा कंपैरिजन मतलब जज्बे की अगर बात करें, हम कहते हैं हमारा जज्बा इंडिया से ज्यादा ये है।
वहाँ पे हर घर तिरंगा की कैंपेन, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रैलीज निकली हैं कश्मीर में, बहुत बड़ी इंडिया साइड कश्मीर में बहुत बड़ी रैलीज निकली हैं, और यहाँ पे दफा 144 144 लगा हुआ है, यानी कि चार लोग पाकिस्तान में पिंडी की बात कर रहे हैं वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। ये कैसी आज़ादी है सर? कश्मीर की बात है अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियोज आपको निकाल दे, एक साइड पे हम थे एक साइड पे इंडियन थे। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन थी वो अपने लेवल की थी, लेकिन इंडियन ने जो सेलिब्रेशन की है पाकिस्तानियों के लिए, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तानियों से भी ज्यादा की है। अच्छा, उन्होंने ज्यादा की है और वो मकबूजा कश्मीर में हुई है। आप देखें, वो कहते हैं बेशक आप लोग उस साइड पे हो लेकिन आप हमारे दिल में बसते हो, वो हमारे लिए दर्द रख रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी हमारे लिए दर्द नहीं रख रहे। मुझे अफसोस हुआ और मैं हासिल को हमें सोचना चाहिए कि हमने इंडिया से नाम की आज़ादी हासिल की थी, हमने सिर्फ नाम की आज़ादी हासिल की, जैनी तौर पे गुलाम है, गुलाम है यार। पहले कभी 14 अगस्त मना लेते थे लेकिन अब दिल नहीं चाहा मनाने को, कभी झंडियाँ वंडियाँ लगा लेते थे, कोई कॉन्सेप्ट था कि यार आज़ादी मिली है कुछ, लेकिन अभी घुटन सी महसूस कर रहे हैं, दिल नहीं किया 14 अगस्त मनाने का, बिल्कुल भी नहीं मनाया, ना कोई झंडियाँ लगाई हैं, ना कहीं बाहर निकले हैं, ना बच्चों को कहीं लेके गए हैं, दिल नहीं चाहता। क्या वजूहत है कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया था कि ताकि हम हर रसूमात को अपने हर ज़िंदगी की तरक्की में ज़्यादा ज़्यादा नॉमिनेट हो सकें, ज़्यादा इंडिया से आगे जा सकें, इंडिया से अलग इसलिए हुए थे, क्या हो गए हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन गए उनसे? जी उनसे अलग तो हो गए, उसके फ़ायदे अपनी जगह पे, लेकिन आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है, कोई एक्टिविटी करने की आज़ादी नहीं है, तरक्की करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे सुना है जो लोग कोई इन्वेंशन करते हैं उनको पकड़ के तो मार दिया जाता है या उनको पाबंदे सलासल कर दिया जाता है, ये बातें समझ में नहीं आती कि ये हम किधर जा रहे हैं, आज़ादी नहीं है भाई, आज़ादी नहीं है। ये एक तरफ हम हैं, अभी बात करेंगे इंडिया की बात करूंगा, सबसे पहले सर वो चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहा है सर, वो चांद पर चला गया सर, इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर उनकी इकोनॉमी, अगर मैं बात करूं किसी भी लिहाज से आईटी में बात कर लें, दुनिया के कोई भी सेक्टर पर बात कर लें, वो दुनिया में नंबर वन है या ओनली वन है सर? अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ नारों के हद तक रह गए, हमने अभी तक नारे लगाते रहे, क्या अचीवमेंट की हमने मुल्क के लिए, मुल्क के लिए क्या किया हमने कि हम बता सकें कि भाई हम पाकिस्तानी इस चीज़ में सबसे आगे हैं, हम किस चीज़ में सबसे आगे हैं? देखिए हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं, सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं और समझ नहीं आती कि हम अगली नस्लों को क्या देके जा रहे हैं, अगली जो हमारी आने वाली पौध है उसके लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, और ये सब लोग अब जान गए हैं कि ये किस वजह से है और क्यों है और इसके ज़िम्मेदार भी कौन है, बस वो लहदा बात है, ना उनकी निशानदेही कर सकते हैं ना आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन सब के ऊपर सब कुछ आया हो चुका है। अब बात यही है कि सबको दिल में मुसम्मम इरादा रखना चाहिए और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान रखनी चाहिए और ये पक्का रखना चाहिए कि हमने करना क्या है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें लेकिन हमने क्या करना है इसके लिए जब भी कोई चॉइस हमें मिलेगी उस पे हम इन्हें बताएंगे कि ये हमारी चॉइस है और इससे हम नफरत करते हैं। सर कल की न्यूज़ आपने देखी, 12 बजे रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतज़ार करते रहे, अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कैनेडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, 15 अगस्त को मनाया गया। सर क्या वजूहत है कि दुबई जैसी कंट्री, जिसे हम मुसलमान ब्रदर्स कहते हैं, यूएई जैसी, सऊदी जैसी कंट्री भी हमारा बायकॉट करती आ रही है, पाकिस्तानियों को खाते में नहीं ले रही, इंडिया की जय जय होकार हो रही हर तरफ, क्या वजूहत है सर? मेरा ख्याल तो यही है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो नाकाम है इस वक्त जो भी हुक्मरान है, और ये एक तरह से नाकाम रियासत बन चुका है। देखिए अगर आपके नुमाइंदे आपके हुक्मरान स्ट्रॉन्ग हो गए, कहीं जाके दुनिया में किसी फोरम पे बात करेंगे, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कासिम के अब्बू भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने जाके अक़वामे मुत्तहिदा में ऐसा पैगाम दिया पूरे मुसलमानों को कि तमाम आलम मानता था उनकी बात,
और वो कहते थे कि यार इन्होंने इस्लाम की बात की है, कोई वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है, क्या बाहर के ममालिक हमें समझ रहे हैं, और क्या हमारी हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है, ज़ीरो है हम। क्या इन सिचुएशंस के अंदर देखते हुए क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर भारत को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप बात करें कि डिफेंस एरियाज के अंदर, डिफेंस के वेपन्स के अंदर, हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, क्या हम वाकई में ही उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम बात करें मईशती तौर पर, दुनिया की पाँचवीं बड़ी मईशत बन गया इंडिया, भाई वो पाकिस्तान की जो आवाम है, जो लोग हैं, उनको भी समझ में आ गया है कि भारत के साथ में दुश्मनी खेलने से कुछ भी नहीं होगा। भारत को पूरी दुनिया मान दे रही है, पूरी दुनिया सम्मान दे रही है, तो कुछ ना कुछ भारत में खूबी ऐसी है। भारत जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है, भारत की IT तगड़ी है, भारत के एजुकेशन तगड़ा है, भारत की टेक्नोलॉजी दिन पे दिन ग्रोथ हो रही है, तो पाकिस्तानियों को समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी करना उनके लिए बिल्कुल भी फायदे वाली बात नहीं है। अब पाकिस्तानी भी चाहते हैं भारत के साथ में जितने भी रिश्ते हैं वो सभी ठीक हो जाएं, जो दोस्ती वाला, जो प्यार वाला, जो भाईचारे वाला रिश्ता था वो फिर से कायम हो।